हरे कृष्णा, सात्विक रसोई में मैं अश्विनी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक। स्ट्रॉबेरी जो है वो विटामिन सी और विटामिन B12 से भरा हुआ है, जो हमारे स्किन और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। भगवान को जो भोग लगता है उसमें 6 प्रकार के टेस्ट होते हैं, जैसे कि खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, नमकीन और कसेला। भगवान का भोग जब हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो उसमें भगवान की ब्लेसिंग के साथ साथ भगवान की कृपा भी होती है, जो हमारे शरीर और मन को ताकत देता है और हमारा मन शुद्ध होता है। तो चलिए स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले स्ट्रॉबेरी का सिरप बना लेंगे। ये मैंने एक जार लिया है, उसमें हम स्ट्रॉबेरी डाल देंगे। ये 6 से 7 स्ट्रॉबेरी है जिसको मैंने पीसेस में कट कर लिए है। ये शुगर है 2 से 3 टेबलस्पून। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये स्ट्रॉबेरीज को मैंने ग्राइंड कर लिया है मिक्सर में, और इसका जो कच्चापन का टेस्ट होता है वो ना आए इसलिए मैं इसे थोड़ी देर पका लूँगी, 1 उबाल आने तक। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, 1 उबाल आने तक ही पकाना है। ये 1 उबाल आ चुका है, अब हम इसे ठंडा करने रख देंगे थोड़ी देर। यह हमारा सिरप ठंडा हो चुका है, अब हम इसी जार में सिरप और दूध डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। यह मैंने 2 कप दूध लिया है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। यह हमारा मिल्कशेक बनकर रेडी है। अब हम इसे ग्लास में डालकर भगवान को भोग लगाएंगे। तुलसी पत्ता रखेंगे। तो आप ज़रूर लाइए स्ट्रॉबेरीज घर पे और मिल्कशेक बना के खुद भी पीजिए और अपने परिवार वालों को भी पिलाइए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ देखते रहिए सात्विक रसोई, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। हरे कृष्णा। स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बनाने के लिए हमें चाहिए कटे हुए स्ट्रॉबेरी 6 से 7, शक्कर 2 से 3 बड़े चम्मच और दूध 2 कप। एक मिक्सर जार में कटी हुई स्ट्रॉबेरी और शक्कर डालकर पेस्ट बना लें। अब एक पैन ले और बनाया हुआ पेस्ट डालकर 1 उबाल आने तक पका लें। फिर इसे एक बॉल में निकाल लें। अब उसी जार में बनाया हुआ स्ट्रॉबेरी सिरप डालें और दूध डालकर फिर से ग्राइंड कर लें। अब इसे एक ग्लास में निकाल कर सर्व करें। हमारा स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक तैयार है।